कन्हैया जैसी लीडरशिप उभर करके अगर बिहार में नहीं आई तो यकीन जानिए आपका आने वाला कल बीते हुए कल से बहुत बुरा होगा। तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, बिहार के चुनाव के चलते ये पूरे दिल्ली में पूरे देश में इस तरह के हिंसा भड़काने की एक रणनीति है। कन्हैया कुमार को भी इसीलिए टारगेट किया गया है कि बिहार का चुनाव ये जीत लें और बिहार की जनता को ये गुमराह कर लें। जनता ने फिर से भाजपा को अगर सत्ता में लेके आ गए तो जिस तरह से दलित युवाओं की हत्या हुई है झारखंड में, जिस तरह से बिहार में बेकसूर नौजवानों को मारा गया है, जिस तरह से बिहार के लोग आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था से गुजर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात है कि बिहार का चुनाव जब पहले था, लोकसभा का चुनाव था, तभी ये चार्जशीट तब भी दाखिल की गई थी, और जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है तब भी इसी तरह का नरेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहीन बाग को इससे जोड़ कर के देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस सरकार को हम पिछले 6 सालों से फेस कर रहे हैं वो सरकार डाइवर्ट एंड रूल करने में बहुत बड़ी महारत रखती है। बाबरी से दादरी तक, लव जिहाद से घर वापसी तक, बीफ बंदी से नोटबंदी तक, हर मामले में उन्होंने हर मुद्दे को डाइवर्ट किया। जब भी कभी कोई सवाल खड़ा किया जाता है, जब भी कभी बेरोजगारी पे सवाल किया जाता है, जब भी कहा जाता है कि बेरोजगारी कैसे ख़त्म होती है तो वो पाकिस्तान कहने लगते हैं, जब भी कहा जाता है कि युवाओं को नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा तो वो भारत माता की जय कहने लगते हैं, जब भी कहा जाता है कि अच्छे दिन कैसे आएंगे और विकास देश में कैसे होगा तो वो फिर इस तरह की बात करने लगते हैं, वंदे मातरम कहने लगते हैं। जब भी उनसे ये कहा जाए कि देश में अच्छे दिन लाने हैं तो वो कहीं ना कहीं वंदे मातरम का गुणगान करने लगते हैं, हिंदू खतरे में नज़र आने लगता है। इस तरह की ये जो पॉलिसी इनकी है पिछले 6 सालों में हमने देखी है कि इन्होंने हर मुद्दे को डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी अपना करके इस तरह का रूमर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखिए आप, प्रियंका रेड्डी पे इतना सारा मामला चल रहा था, एनकाउंटर कर दिया गया, इससे पहले कि देश पूरी ताकत से ये सवाल कर पाता कि प्रियंका रेड्डी के रेपिस्टों को वाकई क्या उसके रेपिस्टों को सजा मिल गई, इससे पहले कि ये सवाल बहुत ढंग से लोग पूछ पाते ये फौरन कैब लेके आ जाते हैं और पूरा देश फिर कैब के मुद्दे में उलझ जाता है। अब ये कन्हैया के मामले को भी इसी मामले से जोड़ करके देखना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में शाहीन बाग की एक ट्रेंडिंग चल रही है, CAA NPR के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी जगहों पर धरने चल रहे हैं। शाहीन बाग को इन्होंने बहुत पहले से ट्रॉल करना शुरू कर दिया था कि शाहीन बाग में 500 रुपये लेकर के लोग बैठे हैं, शाहीन बाग में जो मर्द हैं वो घरों पर बैठे हैं और औरतें वहाँ सड़कों पर बैठी हुई हैं, शाहीन बाग में जो है ये शाहीन बाग पॉलिटिकल आंदोलन है। शाहीन बाग को फिर जब ये तमाम चीज़ें ना हो सकी और रिएक्ट नहीं किया गया शाहीन बाग से कोई ऐसा जिस पर इनको ये मुद्दा बना सकें, फिर इन्होंने जामिया पर 30 जनवरी को हमला करा दिया, फिर ये मुद्दा डाइवर्ट ना कर सके जामिया के छात्रों ने उस हमला आवर को कानून के हवाले कर दिया, फिर 2 दिन के बाद में शाहीन बाग पर इन्होंने हमला कर दिया कि किसी भी तौर से ये मुद्दे को डाइवर्ट कर सकें, लेकिन मुद्दा डाइवर्ट नहीं हुआ। शाहीन बाग के लोग वहीं बैठे रहे और सवाल वही पूछते रहे CAA NPR NRC को वापस कराने का। फिर इस तरह की कोई चीज़ इन्हें करने की ज़रूरत थी कि जिससे इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके, फिर इन्होंने गुजरात के जैसा लोग वही रणनीति वही राजनीति वही अक्षरों का फ़र्क है, 2002 में इन्होंने गुजरात को जलाया था और 2020 में इन्होंने दिल्ली को जलाया है अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए, और इन्होंने 2020 के दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जलाने का जो काम शुरू किया वो सारा देश देख रहा है कि किस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है और उसने दंगा भड़काने की जो कोशिश की है उससे आज पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल रही है। कन्हैया कुमार को भी इसीलिए इस पूरे रूमर में लाया गया है ताकि मुद्दे को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा सके। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पूरी शिद्दत से सवाल पूछते रहेंगे CAA NPR NRC को वापस कराने का। आप कन्हैया को लाइए या कन्हैया से बड़ा कोई और रूमर क्रिएट करने की कोशिश करिए, हमारा सवाल नहीं बदलने वाला है। बात अगर कन्हैया की है, केजरीवाल ने अगर अनुमति दी है केस आगे बढ़ाने की, तो मैं पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि केजरीवाल एक पढ़े लिखे नेता हैं, दिल्ली के लोगों का और देश के सारे पढ़े लिखे लोगों का केजरीवाल ने विश्वास जीता है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है क्योंकि कन्हैया कुमार को पिछले लोकसभा के चुनाव में उनको नुकसान हुआ इस बात का, क्योंकि बिहार की जनता उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं है, तो जिन रास्तों से वो गुजरते थे अनपढ़ लोग कन्हैया कुमार को देशद्रोह का नारा लगा करके उनको ब्लेम करते थे और कई मर्तबा कन्हैया कुमार पर इसी को लेकर के हमला हुआ है। तो हो सकता है केजरीवाल ने यह सोचा हो कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके निपटाया जाए ताकि किसी भी आदमी पर इस तरह की बात ना की जा सके। कोई भी अगर इंसान है, अगर वो अच्छी बात करता है और अगर वो किसी भी कसूर में मुलव्विस नहीं है, अगर उस पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो ऐसा ना हो, कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, अदालत में ये प्रोसेस चलना चाहिए। आप चार्जशीट को भी देखिए, चार्जशीट में जो बात लिखी गई है वो ये है कि कन्हैया कुमार ने नारे लगाए नहीं है, जो नारे लग रहे थे कन्हैया कुमार
ने उन नारों को रोका नहीं है। अब बताइए कन्हैया कुमार के कहने से देश के युवा चलेंगे, तो देश के युवा अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं। अब जब वो नारे लगे तो नारे किस तरह के थे, किस तरह का नरेशन बनाया गया, किस तरह से उसमें एडिटिंग की गई, एक चैनल कहता है कि नारे ये नहीं थे, दूसरा चैनल कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो फिर उसी में मुठभेड़ हो जाती है। पिछले 4 साल तक हमने यही सारी चीज़ें देखी हैं इस देश में कि कन्हैया कुमार को जेल में ज़रूर डाला गया मगर कोर्ट से उनको रिहाई मिल जाती है। फिर से अब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो फिर इस मुद्दे को इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है। कल पटना के गांधी मैदान में शानदार रैली की है कन्हैया कुमार ने, पूरे बिहार में कन्हैया कुमार घूम घूम कर लोगों को संविधान बता रहे हैं, संविधान की बातें बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिहार की जनता खास तौर से बहुत अहम भूमिका निभाती है लोकतंत्र को मजबूत करने में, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में। बिहार की जनता बहुत अहम भूमिका निभाती है इस देश के चुनाव की रणनीतियों को बनाने में, तो बिहार की जनता को कन्हैया कुमार जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि बीजेपी अपनी अनपढ़ राजनीति में, जहालत की राजनीति में फिर से बिहार की जनता को वापस पलटाने की कोशिश करे। इसलिए कन्हैया पर वापस से ये चीज़ें लाई गई हैं ताकि विधानसभा के चुनाव में उनको किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिले। लेकिन लोकसभा चुनाव से ये विधानसभा का चुनाव कुछ बदला हुआ है। CAA, NPR, NRC जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनके आरक्षण पर भी हमला किया गया है। और कन्हैया कुमार ने इस बात को गांधी मैदान में और पटना के अलग अलग मैदानों में, बिहार के अलग अलग हिस्सों में ये बात समझाई है कि CAA और NPR सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है बल्कि बहुजन विरोधी भी है, SC ST विरोधी भी है और OBC विरोधी भी है और दलित विरोधी भी है। इसलिए आज कहीं ना कहीं जो सिनेरियो है बिहार का वो चेंज हो रहा है। इसलिए ज़रूरी था कि कन्हैया कुमार को फिर से फंसाया जाए ताकि वो जो डिबेट इस देश में CAA NPR को लेकर के चल रही है वो पूरी तरह से मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। और आज आप देखिएगा कि आज ही 5 बजे से सारे TV स्टूडियो में कन्हैया कुमार पर जो टेबल है वो बजना शुरू हो जाएगी, वो देशद्रोही है या देशभक्त है। इस तरह के फर्जी राष्ट्रवाद की आज से ही डिबेट शुरू हो जाएगी। हम जिस तरह से पिछले 4 सालों में ये चीज़ें देखते चले आए हैं, जामिया को भी टारगेट किया गया, JNU को भी टारगेट किया गया, AMU को भी टारगेट किया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, यानी वो लोग जो सही सवाल करते हैं, जो सरकार से सवाल पूछने की भूमिका निभाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, बार बार सरकार के उनके फर्जी गुंडे उन लोगों को, सवाल पूछने वालों को या तो वो देशद्रोही कह देते हैं या पाकिस्तान का नाम लेने लगते हैं या फिर उनको कहते हैं कि इन लोगों के दिलों में इस देश से प्रेम नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि देश की जो जनता है इस CAA, NPR और NRC के चलते कितना जागरूक हुई है। हालांकि दिल्ली में तो जागरूकता बहुत है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जब जलाया गया तो उस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जलाने में बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के जवान नहीं खड़े हुए, क्योंकि वाल्मीकि और बहुजन और दलित समाज के जवानों को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आई है कि शाहीन बाग सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्कि वो SC ST के आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो दलितों के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो बहुजनों के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए चाहे मुरलीधर का फैसला हो, हम मुरलीधर के फैसले को भी सलाम करते हैं। और आप देखिए किस तरह से रणनीति अपनाई जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। मुरलीधर का 1 घंटे के अंदर अंदर तबादला किया जाता है। कसूर उनका क्या था, संविधान के दायरे में रहते हुए एक जज अपनी कुर्सी पर होने का जो जिम्मेदारी है, जो फर्ज है वो निभाता है और 1 घंटे के अंदर अंदर उनका तबादला कर दिया जाता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कपिल मिश्रा के बयान को लेकर के, और बाकी वो तमाम लोग जो देश में नफरत की बातें करने के लिए अपने बयान दे रहे हैं, नफरत भड़काने के लिए अपने बयान दे रहे हैं, जब उनके खिलाफ उन्होंने कोई बात की तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये समझाने की कोशिश की गई कि इस देश में हम सबसे बड़ी ताकत हैं, अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या मीडिया का आदमी हो या फिर न्यायालय का कोई आदमी हो, वो जज ही बना हुआ क्यों ना बैठा हो, अगर वो हमारे विरोध में जाएगा तो कहीं ना कहीं हम उसका ट्रांसफर भी करा सकते हैं। और इससे पहले भी हमने एक जज की हत्या होते हुए देखी है इस देश ने। इसलिए मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी वक्त है हम लोगों के पास, मजलूमों की एक बड़ी तादाद हो गई है इस देश में, बहुजन समाज के लोग 75%, बहुजन दलित SC ST, मुस्लिम समाज के लोग 14% हैं, ये 75% और 14% मुस्लिम समाज, ये सारे के सारे अगर मिल जाएंगे तो 3% मनुवादियों को हम बहुत आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। आज अगर कन्हैया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आज अगर कन्हैया को कहीं ना कहीं उस दायरे में ढकेलने की कोशिश की जा रही है, तो आप भी ये सोचिएगा कि आपके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, आपके बच्चे भी कॉलेज में जाते हैं, जब वो बड़े होंगे और सवाल नौकरी का होगा और डिग्री
नौकरी लेकर के जब वो बेरोजगार घूमेंगे तो दिक्कतें आपको भी होने वाली हैं, परेशानी आपको भी होगी, इसका इफेक्ट आपको भी होने वाला है। इसलिए इससे पहले कि आपकी गर्दन दबाई जाए, आपके पड़ोसी के घर में जो आग लगी है उस आग पर पानी डालने का आप काम करिए, तो यकीन जानिए कि आपके घर की आग खुद ही बुझ सकती है। कपिल मिश्रा को सर लगातार सम्मानित किया जा रहा है, आज ही जंतर मंतर जो ऐसे भड़काव भाषण से पूरे देश में दंगा फैलाने की लगातार कोशिश हो जा रही है, उनके बातों पर दंगा फैल रही है, उनको लगातार सम्मानित किया जा रहा है। नहीं, हम पिछले छः सालों में यही देख रहे हैं, तबरेज अंसारी को जिन लोगों ने मारा उनको भी सम्मानित किया गया, मिनहाज को जिन लोगों ने मारा उनको भी सम्मानित किया गया, पहलू खान को जिन लोगों ने आग लगाई उनको भी सम्मानित किया गया, झारखंड में जितनी मॉब लिंचिंग्स हुई हैं वहाँ के सीएम उनको सम्मानित करते रहे हैं, इंस्पेक्टर सबोध कुमार की हत्या हो गई, जो अखलाक के केस की जाँच कर रहे थे उनको मार दिया गया और उनके मारने वालों पर कोई केस नहीं चल रहा, उनके मारने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। JNU में जिन नकाबपोशों ने, जिन नकाबपोश गुंडों ने हमला किया उन पर भी कोई मुकदमा नहीं चल रहा और कोई सवाल नहीं हो रहा, अकेले ताहिर हुसैन को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम ही करना चाहते हैं, ये जातिवाद की राजनीति ही करना चाहते हैं, धर्मों की राजनीति करना चाहते हैं। अब जिस तरह से कपिल मिश्रा को सम्मानित किया जा रहा है, सरकार की जो अपनी मानसिकता है, सरकार की जो अपनी विचारधारा है, सरकार की अपनी जो फिक्र और नज़रिया है, इस बात को देश को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आज देश में आग लगाने वालों को सम्मानित किया जा रहा है तो आग सिर्फ मुसलमान के घर में नहीं लगी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुपें, अगला नंबर आपका है। रतनलाल की हत्या भी हुई है, IB के कर्मी की हत्या भी हुई है, अगर अब्दुल रहमान मारा गया है तो अंकित की हत्या भी हुई है, तो आप सम्मानित उनको किस बुनियाद पे कर रहे हैं, आप किस बात का सम्मान उनको दे रहे हैं, अंकित की मौत का सम्मान उनको दे रहे हैं, अब्दुल रहमान की मौत का सम्मान उनको दे रहे हैं, रतनलाल की हत्या हो गई वो सम्मान आप उनको दे रहे हैं, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को, गांधी जी के ख्वाबों को, अशफाकुल्ला के सपनों और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हिंदुस्तान को तोड़ने की आप सबसे बड़ी साजिश कर रहे हैं, इसलिए इनकी तो रणनीति ही है, इनका तो रास्ता ये है, इनका तरीका ये है और इसी तरीके पर ये चलते हुए पिछले 6 सालों से अपनी राजनीति करते चले आए हैं। मैं देश के लोगों से ये कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो तस्वीर है, मुसलमान मंदिरों के बाहर बैठ कर के मंदिरों की हिफाजत कर रहे हैं, हिंदू हमारी मस्जिदों के बाहर मस्जिदों की हिफाजत कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार आग हमने नहीं लगाई है, हम एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं, तो इन गुंडों को बाहर से बुलाना पड़ा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आग लगाने के लिए। इसलिए मैं देश के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, बिहार के चुनाव के चलते ये पूरे दिल्ली में, पूरे देश में इस तरह के हिंसा भड़काने की एक रणनीति है, कन्हैया कुमार को भी इसीलिए टारगेट किया गया है कि बिहार का चुनाव ये जीत लें और बिहार की जनता को ये गुमराह कर लें, बिहार की जो जनता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर फिर से इन्होंने, बिहार की जनता ने फिर से भाजपा को अगर सत्ता में लेके आ गए, तो जिस तरह से दलित युवाओं की हत्या हुई है झारखंड में, जिस तरह से बिहार में बेकसूर नौजवानों को मारा गया है, जिस तरह से बिहार के लोग आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था से गुजर रहे हैं, जिस तरह से बिहार के लोग बेरोजगारी और आज भी गुलामी से गुजर रहे हैं, अगर फिर से इनको जिताया और कन्हैया जैसी लीडरशिप उभर करके अगर बिहार में नहीं आई, तो यकीन जानिए आपका आने वाला कल बीते हुए कल से बहुत बुरा होगा। इसलिए अपने आने वाले कल को बेहतर करने के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, बिहार में विकास करने के लिए, बिहार को बेहतर करने के लिए, कन्हैया जैसी लीडरशिप, कन्हैया जैसी फिक्र और कन्हैया जैसे नज़रिए को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हम भी इस तरह की फिक्र के साथ हैं जो देश में कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें, सही सवाल उठाए, बेरोजगारी को ख़त्म करने की बात करें, भुखमरी को ख़त्म करने की बात करें, गुर्बत को ख़त्म करने की बात करें और इस देश में विकास करने की बात करें। हम सब नौजवान उसके साथ हैं जो भी इस तरह की राजनीति की बात करता है।